खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। आष्टा, तेज बारिश के चलते सीहोर कलेक्टर द्वारा कल रात्रि में एक आदेश जारी कर स्कूली बच्चे और आंगनवाड़ी केंद्रों की 9 सितंबर के दिन अवकाश आदेश जारी किए गए। रात करीब 9 बजे के आसपास अंधेरे में आखिर परेशान होकर करीब 1 फीट पानी से जैसे तैसे निकलना शुरू किया। इस बीच कई बाइक सवारों रोकते हुए भी नजर आए। पुलिया पर खड़े जावर के स्थायी नागरिक, लगातार तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर कई गांवों का संपर्क टूटा। आष्टा की पार्वती नदी पुल के लेबल से तेज बहाव से बहती हुई जावर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम जीवापुर महोड़िया की एक गर्भवती महिला को जावर हॉस्पिटल लाते समय जावर नेवज नदी की पुलिया पर पानी होने के कारण प्रसूता के परिजनों के हौसले हुए पस्त। मौके पर मौजूद तैराक लाखन उर्फ लाखा और उसके साथियों ने हिम्मत दिलवाकर पुलिया के तेज बहाव से महिला को जैसे तैसे निकालकर परिजन सहित जावर हॉस्पिटल पहुंचाकर हॉस्पिटल में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टरों के अनुसार मां बेटे दोनों स्वस्थ हैं। जान जोखिम में डालकर जावर नेवज नदी पर नगर परिषद की पेयजल सप्लाई वाली पाइपलाइन के पाइप के सहारे से निकलते हुए नजर आए कुछ लोग। वहीं आष्टा शहर वासियों और आसपास के ग्रामीणों की निगाह रामपुरा डैम पर पूरी बरसात से टिकी हुई थी, जो कि आसपास क्षेत्रों में लगातार तेज बारिश के बावजूद आधा भी भरा था, लेकिन पिछले 48 घंटों की बारिश से यह डैम इस समय पूरा भर चुका है, जो कि आष्टा शहर के नागरिकों के लिए बहुत ही सुखद समाचार है, क्योंकि भीषण गर्मी में आष्टा शहर के लाखों लोगों की प्यास बुझाने में डैम के पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। तेज बारिश के चलते आष्टा अनुविभागीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र और जावर नगर के कई मकानों में भरा पानी, जिससे कच्चे मकानों की दीवारें गिरी। कच्चे मकानों के रहवासियों की बारिश के समय रहने की मुसीबत खड़ी हो गई है। खबर समय जगत के लिए आष्टा से सतीश सेन की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज़।